कैसा लगेगा पंछी को जब उसके पंख होने के बावजूद उसे कहा जाएगा कि वह उड़ नहीं सकता है। हमारे कहे हुए शब्दों में कितनी जान होती है जो सच में किसी की जिंदगी भी बना सकती है। कितनी आसानी से किसी के कहे हुए गलत शब्द दौड़ते हुए बच्चे को जिंदगी भर के लिए पैरालाइज बना देते हैं। दूसरी तरफ एक मोटिवेशनल वर्ड कैसे किसी को दुनिया का इतिहास रचने के काबिल बना देता है। एक बार की बात है, एक बार एक बच्चा स्कूल से घर वापस आता है और आते ही स्कूल से मिला हुआ एक लेटर अपनी माँ को पकड़ाता है और माँ को बड़े एक्साइटमेंट में कहता है, टीचर्स ने यह लेटर मुझे अपनी सिर्फ माँ को देने को कहा है। उस चिट्ठी को पढ़ते वक्त उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चा रोते हुए माँ को पूछता है, माँ क्यों रो रही हो? तब वह माँ उस बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटे चिट्ठी में लिखा है आपका बच्चा बहुत जीनियस है। हमारा स्कूल इतना काबिल नहीं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकता है, ना ही हमारे पास इतने ट्रेन टीचर्स हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। कुछ सालों बाद उस माँ की मृत्यु हो जाती है। तब तक वह बच्चा एक महान वैज्ञानिक बन जाता है। एक दिन वह महान वैज्ञानिक माँ की कोने में पड़ी हुई पुराना बॉक्स देख रहा होता है। उसी पुराने बॉक्स में उन्हें बहुत सी पुरानी चीज़ें मिलती हैं। उन्हीं पुरानी चीज़ों में एक पुराना लेटर मिलता है या वही चिट्ठी होता है जो बचपन में उन्हें स्कूल से मिलता है। जब उस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो वह बहुत भावुक और दंग रह जाते हैं। जानते हैं आप उस चिट्ठी में क्या लिखा था? उस चिट्ठी में लिखा था, आपका बच्चा मानसिक तौर पर बीमार है, हम अब उसे और नहीं पढ़ा सकते हैं, हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं, बेहतर होगा आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। उस चिट्ठी को पढ़ रहे और कोई नहीं, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन थे। माँ के कुछ कहे मोटिवेशनल वर्ड्स ने मानसिक रूप से बीमार लड़के को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा आविष्कार किए उन मोटिवेशनल वर्ड्स के सहारे ही किया। अंधेरे को दूर करके बल्ब की खोज करने वाले भी थॉमस एल्वा एडिसन थे। उनके माँ के जान लगाने वाले शब्दों ने उन्हें इतिहास रचने के काबिल बना दिया। जाते हुए कुछ शब्द माँ के लिए जो कहीं मैंने सुने थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। लवों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। सो फाइनली कीप इंस्पायरिंग अदर्स, आर इंस्पायरिंग वर्ड्स स्प्रेड पॉजिटिविटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, लाइक जरूर करें अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।